मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 3 के बारे में बताऊंगी। हमने चैप्टर 3 कहाँ तक पढ़ लिया था कि किसी भी दो नंबर का हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, फिर नंबर लाइन में हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, वो हमने देख लिया था। अब कौन सा टॉपिक है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन जो होता है उसकी भी कई सारी प्रॉपर्टी होती है। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिंग वन, यानी कि किसी भी नंबर को हम अगर उसमें वन ऐड कर दे, किसी भी नंबर में हम उसमें वन ऐड कर दे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, उसका एडिशन क्या होगा, उसके जस्ट आफ्टर वाला जो नंबर होगा वो हमें मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे कितने फ्लावर्स है, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हैं 1। अगर 5 में हम 1 ऐड कर दे, या फिर ऐसे कहेंगे कि 5 एडिशन 1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, कितने फ्लावर्स हुए, 6 हुए। तो 5 है, उसके जस्ट आफ्टर वाला नंबर कौन सा है, 6। आफ्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाद में आने वाला नंबर, यानी कि उसके जस्ट बाद में आने वाला नंबर कौन सा है, 6 है। तो अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड कर दें तो हमें उसका जस्ट आफ्टर वाला नंबर मिलेगा। फिर एक्सरसाइज 4 है, कौन से पेज नंबर पर, 68 पेज नंबर पर। तो हमें यहाँ पे बुक में फिलअप करना है, टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक्स है उसमें हमें नंबर लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 1, तो 1 उसके जस्ट आफ्टर वाला नंबर कौन सा है, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। फिर यहाँ पे है 2 प्लस 1, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर 3 प्लस 1, यानी कि 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। फिर 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। अब हमें पता है कि 4 प्लस 1 हम कितना नंबर करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, कितने करेंगे, 1 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 4 प्लस 1 करेंगे तो ही 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। फिर यहाँ पे है 6 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 7। अब हमें पता है कि 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 7। फिर यहाँ पे है blank plus 1 is equal to 8, तो हमें पता है कि 8 है वो किसके बाद आता है, 7 के बाद आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 plus 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 7 plus 1 is equal to 8। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिंग 0, यानी कि कोई भी नंबर हो अगर उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद ही रहेगा। यहाँ पे कितने बोल है, 1 2 3 4 5, कितने बोल है, 5 बोल है। अगर हम उसमें 0 बोल, यानी कि कोई भी बोल ऐड न करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वो नंबर खुद ही मिलेगा, यानी कि 5 ही बोल मिलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, कितने बोल्स रहेंगे, 5 ही रहेंगे। फिर यहाँ पे एक कटोरी है, उसमें एप्पल नहीं है, यानी कि 0 एप्पल है, और यहाँ पे दूसरी कटोरी है उसमें कितने हैं, 3 एप्पल है, तो यहाँ पे 1 2 3, कितने हैं, 3 एप्पल है, तो हमें उन दोनों का एडिशन करेंगे, यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एप्पल ही रहेंगे, कितने रहेंगे, 3, 1 2 3, 0 plus 3 is equal to 3। यहाँ पे क्या कहा गया है कि when we add 0 to a number, the answer is the same number, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद ही रहेगा, उसका आंसर क्या रहेगा, वो खुद ही नंबर रहेगा। फिर यहाँ पे है एक्सरसाइज 5, तो एक्सरसाइज 5 कौन से नंबर पे है, 69 पेज नंबर पे। तो एक्सरसाइज 5 में क्या लिखा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट क्या है, 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0, हमें पता है कि किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, वो नंबर खुद ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। फिर सेकंड है 0 प्लस 5, यानी कि 5 में हम 0 ऐड करते हैं तो क्या रहेगा, 5। फिर नेक्स्ट है 0 प्लस 6, हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि 0 प्लस हम कौन सा नंबर ऐड करें तो यहाँ पे आंसर 6 आएगा, तो क्या आ जाएगा, 6। फिर यहाँ पे फोर्थ है 9 प्लस 0,
यानी कि 9 नंबर है, उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 9। फिर फिफ्थ है 8 प्लस हम क्या ऐड करेंगे तो 8 आंसर मिलेगा, क्या करेंगे 0, 8 प्लस 0 क्या आ जाएगा 8। फिर सिक्स्थ है 10 प्लस हम क्या ऐड करें तो हमें आंसर 10 मिलेगा, तो क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 प्लस 0 क्या होता है 10। तो इस तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 फिलअप करना है।